हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हाइलाइटिंग की जाती है, विभिन्न टेक्निक, किस कौन कौन सी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं हाइलाइटिंग करने के लिए। अगर आप लोगों ने मिक्सिंग की वीडियोस नहीं देखी है, किसको किस तरीके से मिक्स करते हैं कलर को, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप देख लीजिएगा। हाइलाइटिंग का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट इसमें हम करना बताएंगे, उसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कलर हाइलाइटिंग करने के लिए आपके बाल पूरी तरीके से साफ़ होने चाहिए, यानी क्लीन होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ईयर टू ईयर करेंगे। इनके पूरे बालों में हमको हाइलाइटिंग नहीं करनी है, बल्कि 5-7 लेयर्स में, यानी कि इनको आगे दिखाना है। ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप लोगों को सिखाना है, मैं इनको करना ही था। तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें देखेंगे तो वो पूरी तरीके से जैसे पार्लर में काम होता है, ठीक उस तरीके की वीडियो देखेंगे, ना कि कोई बनावटी वीडियो है कि स्पेशली हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। हाँ, मैंने वो चीज़ें दिखाई हैं आपको जो रियल काम होता है, जो एक पार्लर में जो एक तरीका होता है करने का, वो चीज़ें यहाँ पर हमने दिखाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है हमें इनके बालों को, अगर हम पूरे बालों में करते तो हम नीचे से लेते, अपने कान के एरिए से लेते, जबकि हमको यहाँ पे सिर्फ इनको ऊपर के हिस्से में दिखाना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ जो है आधे इंच के अंदर के बाल जो है इस तरीके से एक पतली लेयर्स ली, और उसमें विभिन्न टेक्निक, यानी जितना लिया उतना छोड़ा, फिर जितना लिया उतना छोड़ा, इस तरीके से, इस टेक्निक से। फिर हमने जो एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो लिया हुआ है ये, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आगे ऊपर इसलिए मोड़ रहे, थोड़ा सा मोटा हो जाए ताकि वो निकले नहीं और आसानी से ये जो है लगा रहे बालों में। और लगभग 1 इंच छोड़कर हम जड़ों में, मतलब हमको स्कैल्प में नहीं लगाना है क्रीम, क्योंकि अगर आप भूल से भी इसको लगाएंगे तो आपके बाल पूरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको भूल से भी जड़ में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों में लगाना है, और 1 इंच छोड़कर लगाना है, यानी कि 1 इंच आपको छोड़ना ही छोड़ना है किसी भी बाल में। ठीक है, और पूरे बालों में आपकी पहली बात तो क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, और फिर उस क्रीम को आपने बालों में बहुत अच्छे से मिक्स करना। आप देख रहे हैं जिस तरीके से वीडियो में मैं कर रही हूँ, ये पूरी तरीके से रियल काम होता है, ये इस तरीके से पार्लर में काम होता है, यहाँ पे कुछ भी छुपाना नहीं है। जैसे रिजल्ट आपको सामने दिखाऊंगी कितने टाइम में होता है, क्या होता है, तो इस तरीके से आपको दोनों साइड से फोल्ड करके छोड़ देना है। ठीक है, फिर हम एक पतली लेयर्स लेंगे और इसको हम छोड़ देंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इतना छोड़ना है और फिर हम उतने ही बाल उठाएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर लाइन आपकी होनी चाहिए, कोई भी बाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, फिर हम उतने बाल उठाएंगे। अब इसमें वीविंग टेक्निक करेंगे, ये होती है हमारी टेक्निक, मतलब एक लेयर में करना है, फिर एक लेयर उतनी ही मुझे छोड़नी है, फिर हम उठाएंगे, उसमें वीविंग टेक्निक करेंगे, स्लाइडिंग। ठीक है, इस तरीके से हम जो है आप देख सकती हैं, और जड़ों से आप उठाएंगे ना, तो जहाँ पे जड़ से उठाएंगे तो जो बाल आपने छोड़े हुए हैं उसमें से आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत करेगा। आप थोड़ा सा जड़ से छोड़कर, स्कैल्प से छोड़कर करेंगे तो आपकी ये जो बीविंग टेक्निक है वो अच्छे बाल आपके निकलेंगे, यानी आपको मात्रा जो है वो एक बराबर निकालनी, यानी पतले पतले बिल्कुल लाइंस आपको निकालनी, बहुत चौड़ी निकालने से फिर वो हाइलाइटिंग नहीं समझ में आती है। ठीक है, और इनके बालों में पहले से हाइलाइटिंग हुई थी 6 महीने पहले, जो कि बाल से नीचे उतर चुकी है, कलर नहीं जाता है, उस थोड़ा सा जो है कलर डल हो जाता है लेकिन जाता नहीं है बालों से हाइलाइटिंग का। तो अभी जो न्यू बाल आए हुए हैं आप देख सकती हैं, उस बालों में यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी नीचे वो कलर उतर गया, तो फिर से इनको अच्छी लगती है हाइलाइटिंग, वैसे भी इनके बालों पर अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर इसी तरीके से लगाना है, और आगे आने वाली चैनल पर वीडियो जितनी भी आएंगी वो सभी वीडियो जो है आप लोग को और ज़्यादा डिटेल में हम बताएंगे। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में वीडियोस बनी हुई थी, तो हम जो है इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं आपको, लेकिन आने वाली सभी वीडियो में हम बहुत अच्छे से डीप में बताएंगे, और हर वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को देखने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना। अभी ये जो लोग आई हुई हैं ये पूछने के लिए आई हैं कि नो जो है पार्लर सीखना है, तो हमने वही उनसे कुछ बातें हो रही थी कि ठीक है अभी मैं सिखा नहीं रहती, पर अभी जो स्टूडेंट काफ़ी लोग आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि जब उन लोगों को सिखा रहे तो ठीक है, क्लास ले रहे हैं तो इन लोगों को भी, तो वही मैंने वही उन्हीं से बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि इतना मैं इस तरीके से, तो मैं बीच में जैसे कि दोनों साइड से जो बॉक्स एरिया बनता है तो मैं उसी में कर रही हूँ, क्योंकि ये साइड से ही मांग करती हैं, साइड से जब करेंगी तो इधर भी बाल में रहेंगे, इधर भी रहेंगे, और मैं पीछे भी करूँगी, तो इससे इनके पूरे बालों में, यानी मतलब पूरे सारे बालों में हाइलाइटिंग ना करवाते हुए भी वो देखने में ऐसा लगेगा कि इनके सभी बालों में हाइलाइटिंग हुई है। तो ये चीज़ें होती है कि कम चीज़ों में ज़्यादा अच्छी चीज़ें करना। ठीक है, तो ये चीज़ टेक्निक आपको बता रहे हैं, ये किसी भी क्लाइंट के ऊपर जिनका पार्लर है या जो मेरी सहेलियाँ, मतलब जो मेरी स्टूडेंट खोलेंगी आगे, तो ये उनको काम आएंगी काम करने में, मतलब काफ़ी अच्छा
होता है, आप देखिएगा हाईलाइटिंग ये पूरे बालों में खिलकर आएगी, जबकि मैंने पूरे बालों में हाईलाइटिंग नहीं की, लेकिन आपको ये पूरे बालों में हाईलाइटिंग दिखेगी। तो यहाँ पे मैं फिर वही बीबिंग टेक्निक अपनाऊंगी, ये देख सकती हैं, उतने ही बाल उठाने हैं, उतने बाल छोड़ने हैं। इसकी एकदम बारीकी से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से ज़्यादा और डीप, इसमें शायद उतना कुछ मेरी काफ़ी बहनों को समझ में आ जाएगा, जो लोग थोड़ा बहुत जानती हैं, जो बिल्कुल नहीं जानती शायद उनको ना समझ में आए, तो मैं इसके एक और वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और आप लोगों को बता दूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने यूट्यूब से अभी तक की कितनी मेरी इनकम हुई है ये सारी चीज़ जानने के लिए हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखिएगा आप लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किस तरीके से काम करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप देख सकती हैं। नॉर्मली आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे बहुत फास्ट वीडियोस को चलाया जाता है और बहुत ऐसे स्पीड में दिखाया जाता है, जो कि वो कुछ चीज़ें छिपा ली जाती हैं, कुछ चीज़ें कट कर दी जाती हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है और किस तरीके से एक सिंपल से भी पार्लर में भी काम अच्छे होते हैं। लेकिन लोगों के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिमाग में रहता है, जब तक बड़े पार्लर में आप नहीं जाओगे, बड़े सैलून में, तब तक आपका काम अच्छा नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ पे भी वही रिजल्ट मिलने वाला है जो आप एक बहुत बड़े सैलून में देखते हो। और आपका करने का तरीका, आपकी नॉलेज अच्छी होती है तो आप कहीं भी छोटी से छोटी जगह में भी अच्छी चीज़ें कर जाते हो। तो आज हम इस हाइलाइटिंग की वीडियो में आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे फिर मैं एक सेक्शन निकाल के, ये देख सकती हैं, इतने ही पतले सेक्शन आपको निकालने हैं और फिर इतने ही पतले उठाने हैं, उसमें आपको वीविंग करनी है, ये चीज़ आपको याद। तो यहाँ पे मैं जो बॉक्स एरिया बनता है हमारा दोनों साइड से, यानी कि आँखों के जो बीच सेंटर से लेकर इस साइड से जो बीच का एरिया है, उसी में मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे, इसलिए उनके जो सर है उसको भी काफ़ी इधर कर रही हूँ कि मैं उसको कैमरे में बहुत अच्छे से वो आए। तो इस तरीके से जो है बहुत चौड़ा ज़्यादा नहीं लेना है इसको वीविंग टेक्निक, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा कर देने से फिर क्या होगा कि बाल वो हाइलाइटिंग नहीं दिखते, पतले पतले सेक्शन दिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगती है हाइलाइटिंग, नहीं तो वो फिर कलर जैसा लगने लगता है, जैसे लगता है पूरे बालों को हमने इस तरीके से कलर कर दिया। हाइलाइटिंग जो होती है वो कुछ बाल ही हाईलाइट होते हैं, ठीक है, वो एक तरफ से बाल हाईलाइट नहीं होते हैं। और कलर क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है, ग्लोबल कलर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में बुक के द्वारा बताएंगे, ठीक है। अभी तो काफ़ी लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि मैं हाईलाइटिंग वीडियो डालूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियोस डाल देती हूँ। और ये मेरी स्टूडेंट काफ़ी दिन से मुझे बोल भी रही थी कि मेरा कर दीजिए, नए साल पर मेरा कर दीजिए, तो मैं उसे नए साल से एक दिन पहले ही इसलिए स्पेशली फिर जल्दबाजी में मुझे वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में इसको वीडियोज़ बनाया हुआ था, तो इसलिए शायद कुछ चीज़ें अभी छुट्टी भी हों, तो उसको हम बुक के द्वारा ही जब बताने लगेंगे तो सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताएंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हाइलाइटिंग आप कर सकती हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो इसके ये प्रैक्टिस आप लोग कोई भी कलर लेकर और ये कोई एक पेपर जो है इस तरीके से प्लेन पेपर लेकर, वो सारी चीज़ें आप जो है एल्युमिनियम फॉइल पेपर भी आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब प्रैक्टिस, ये वीविंग टेक्निक जो हम कर रहे हैं इसको आप करिए, और जो है आप मेरे अभी व्हाट्सएप नंबर मैंने खोल दिया है, तो आप मुझे उस पर जो है अपना वीडियोज़ भेज सकती हैं, मैं चेक करूँगी टाइम निकाल करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपना काम मुझे भेजिए, और अभी जनवरी का महीना है, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे, जितने लोगों को मैंने रजिस्ट्रेशन किया है पहले उन लोगों को देंगे, फिर बाकी देखेंगे, अगर और किसी लोगों को दे सकते हैं तो फिर देंगे। तो यहाँ पे हमने वही टेक्निक जो है की हुई है, इन पूरे बालों में आपको वही चीज़ें करनी हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल कम हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन के पहले से ही रखे हुए थे, कुछ ख़राब हो गए थे तो वो चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने उतना बाल में, इतने जितने ज़रूरी थे उतने बाल में हमने यहाँ तक आप देख सकती हैं ये मैंने कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने, मुझे लगा नीचे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे बालों में जिस तरीके से मैंने की हुई है हाइलाइटिंग, आप देखिएगा कि इनके सभी बालों में हाइलाइटिंग आपको समझ में आएगी। नीचे तो पहले से हुई है थोड़ी बहुत, और ऊपर से जब हो जाएगी तो ये पूरे A to Z बालों में लगेगी, जैसे लगेगा इन्होंने ये कलर करवाया हुआ अपने बालों में, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग देखिएगा, फुल वीडियो देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आया है।
है और बहुत जल्दी आया था। मतलब इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी अच्छी आपकी होती रहती होती है, मिक्सिंग जो होती है क्रीम डेवलपर ब्लॉन्डर की, तो आपके कलर बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे भी पीछे मैं वही चीज़ करूँगी, जो छोड़े थ्रेडे मेरे बाल थे उसको मैंने ऊपर हटा दिए और फिर मैं एक पतला सा सेक्शन लूँगी और उसमें वीविंग करूँगी। ठीक है, कुछ बाल इधर उधर से थे या चिपके हुए थे तो ये यहाँ पे देख रही हूँ, देख सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्ट उस बाल को उठा लेती हूँ तो शायद सारे बाल एक जगह हाईलाइटिंग हाईलाइटिंग के लगते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा गैप किया जाता है कि एक सेक्शन निकाल लेते हैं, पतला सा छोड़ देते हैं, फिर दूसरे सेक्शन में हम लोग इस तरीके से हाईलाइटिंग करते हैं ताकि वो बीच बीच में दिखे। ठीक है, नहीं तो एक साथ हो जाएगा तो फिर उतना खूबसूरत हाईलाइटिंग का मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पतला सेक्शन आगे छोड़ा इधर भी और फिर यही चीज़ मैंने जो आगे किया हुआ था सेम उसी तरीके से इधर भी मैं भी टेक्निक से करेंगे। और वीडियो जो आपको दिखती है वीडियो ये लगभग बनी हुई थी, इसको थोड़ा सा स्पीड में किया, ये वीडियो लगभग आधे घंटे की थी और टोटल करने में रखने में 40 मिनट का टाइम लगा हुआ था क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तभी से कलर अच्छा आने लगा था और 40 मिनट में मैंने ये सभी चीज़ को किया, कलर भी लगा दिया और 40 मिनट में के अंदर ही वॉश कर दिया था क्योंकि कलर जो की मात्रा थी वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग हुई थी। तो उसका कलर कभी कभी क्या होता है कि हमारे कलर जो होते हैं वो हम कुछ चीज़ें कम ज़्यादा कर देते हैं या कभी कभी हिना हम लोग लगाते हैं तो हिना वाले बालों में कलर नहीं आता है, तब हम उस कंडीशन में क्या करें, तो वो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि जब आप कभी भी आप हाईलाइटिंग करती हैं और आपका कलर नहीं आता है तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगी कि आपको कुछ और ना करना पड़े और फिर आपको उतने से ही आपको जो है कलर आपका आ जाए। ठीक है, तो वो आप तो यहाँ पे आप देख सकती हैं बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हैं और यहाँ पे पीछे हम एक दो ही सेक्शन करेंगे, ज़्यादा बालों में नहीं करेंगे क्योंकि पीछे हमको सिर्फ एक ही या दो करेंगे अभी आप देखिएगा, क्योंकि फिर हमें चारों तरफ लाने हैं, बहुत ज़्यादा बालों में करने का कोई मतलब नहीं है, चारों तरफ से बाल में दिखने चाहिए हाईलाइटिंग हुई है। और इस तरीके से एक लेयर सेक्शन और लेंगे क्योंकि बनी हुई थी तो हमने जितना था उतना हमने जो है बनाया हुआ था क्रीम डेवलपर सब कुछ मिक्स करके, क्रीम जो तैयार किया हुआ था मिक्सचर उसको जो है हम जो प्रोडक्ट था वो जितना था उतना हमने जो है इनको लगा दिया। मतलब इतने तक अगर आपका सिर्फ एक ही लेयर निकलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक में भी कर सकती हैं, ये बना बचा हुआ था तो मैंने फिर नीचे भी और सारे एक दो लेयर्स और तैयार करके फिर उसमें भी हमने कर दिया था। फिर यहाँ पे हमारी स्टूडेंट ये चेक कर रही हैं और जब हमने पीछे भी कर दिया, दो लेयर ही पीछे की हुई थी और उसके बाद जो है इस तरीके से खींच लेंगे, मतलब हो चुका था, कुछ लेयर हो जाते हैं जो शुरुआत के होते हैं। यहाँ पे भी ये मेरी स्टूडेंट चेक कर रही है, दूसरी क्लाइंट आने के कारण मैं जो मेरी स्टूडेंट थी तो खुद कर ले रही थी, तो मेरी दूसरी क्लाइंट आ चुकी थी तो मैं उनको आईब्रो वगैरह कर रही थी और फिर इनका भी बीच बीच में कुछ चेक कर रही थी। तो जब भी आप जब एल्युमिनियम फॉयल पेपर लगा रहता है तभी आपको बालों में कलर आता है जितनी देर तक वो लगा रहेगा, तो यहाँ पे जितने भी बालों में आ चुका था उसको हम निकाल दे रहे थे, जिसने बालों में नहीं आया था तो उसको मैं चेक कर ले रही थी कि उसमें अभी कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो इसमें अभी उतना कम था, जो मैंने शुरुआत में जो फर्स्ट जो एक कलर जो मैं चाहती थी वो पहले वाले में जो आया था वो इसमें कम आया था अभी क्योंकि टाइम उतना, तो मैं इसको खोली थी तो मैं इसको मिक्स कर दे रही थी। जब भी आपके जब आप चेक करें और उतना कलर ना आ रहे तो आप उसको एक बार फिर से घुमा दें ताकि जो जिस साइड में बालों में ये ना लगा हो वो साइड ये लग जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने जो है चेक किया तो पूरे बालों में 10 मिनट और छोड़ दिया था, ये आपको 30-40 मिनट में आपका कलर हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो चुका था। तो अब मैं उन्हीं बालों को धुल रही, यहाँ पे शैम्पू नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरे बालों में ठंडी का समय था और शाम के 6 बज चुके थे तो मैंने पूरे बालों को वॉश नहीं किया, लेकिन जितने बालों में लगा था उसको बहुत अच्छे से आपको क्लीन करना है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं क्लीन करती हैं तो आपके बालों में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद अब हम इसमें ड्रायर किए थे क्योंकि सुखाना था, ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, ड्रायर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है बालों के लिए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तो अब ड्रायर करने के बाद आप देख सकती हैं फाइनल लुक इनके हेयर का कि कितना खूबसूरत आया हुआ है। आप लोग बताइएगा वीडियो में, बाकी जो भी डाउट होंगे जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। इनके बालों में जो हाईलाइटिंग हुई है काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ आने वाली वीडियोस में और आप लोगों को आगे कौन सी वीडियोस देखनी है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ओके।